आप अगर ज़्यादा पोर्ट्स वाला एक्सटेंशन बोर्ड चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रोटोनिक्स का प्लेट टाइन देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा, इसलिए क्योंकि इसमें आपको 8 पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाता है और 3 पोर्ट्स से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोनिक्स पावर प्लेट 9 इस नाम से जाना जाता है। पीछे के साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें 2.1 एम्पियर के हिसाब से चार्ज करेगा आपके फ़ोन को और इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2500 वाट तक है। तो बॉक्स को जैसे ही ओपन करेंगे आपको इस पर बस वही आपको एक्सटेंशन बोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। प्रोटोनिक्स की तरफ से यहाँ पर एक वारंटी कार्ड देखने के लिए मिलता है और जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। वायर की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है और इसे देख के लगता है कि 2500 वाट तक बिल्कुल ये सपोर्ट कर लेगा। 10 एम्पियर 250 वोल्ट तक जो है आप इस पे दे सकते हैं और यहाँ पे आपको एक सर्किट ब्रेकर भी देखने के लिए मिल जाता है, तो प्रोटेक्शन एक तरह से आप कह लीजिए कि आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से खूब अच्छे से ये ओपन हो जाता है तो बिल्कुल ये लालटेन का फीलिंग जो है आपको दिला देगा, लेकिन वैसा है नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं जिसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन 2.1 एम्पियर के हिसाब से ही चार्ज करेगा। तो अगर आप 3 फ़ोन को एक साथ में लगा देंगे तो उस स्पीड से नहीं देगा, तो सिंगल फ़ोन को चार्ज करेंगे तो ठीक स्पीड से चार्ज करेगा। यहाँ पे जो स्विच दिख रहे हैं ये चारों पोर्ट्स के हैं और ऊपर में एक और जो स्विच आपको दिख रहा है वो चारों पोर्ट्स के हैं। तो इसमें 8 आपको 3 पिन वाले जो है आपको पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाता है और चारों साइड से आप जो है इसमें काफ़ी आसानी से जो है लगा करके इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे ही स्विच देंगे तो आपको यहाँ पर लाइट जो है नीचे में ब्लू कलर का ब्लिंक होने लगता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्विच है, दोनों का लाइट जो है ऑन हो जाता है। तो डायरेक्टली अगर हम फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 मिनट रिमेनिंग दिखा रहा है इलेक्ट्रिक से अगर हम दिखा रहे हैं तो, और ठीक इसी अगर डायरेक्ट हम बिना चार्जर के डायरेक्ट इसमें चार्ज करते हैं तो सेम टाइम दिखा रहा है, मतलब 6-7 मिनट में। और कुछ इस तरह से जो है बहुत सारा अप्लायंसेस को एक साथ में इस पर लोड दे सकते हैं 2500 वाट तक का। 1000 वाट का आयरन होता है और बाकी जो चार्जर है वो कोई 18 वाट का है, कोई 45 वाट का है, कोई 65 वाट का है। इस स्पीड से जो है आप इसमें लोड दे सकते हैं और इसको हम ओपन करके भी दिखाएंगे कि इसके अंदर में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है और 2500 वाट तक जो सपोर्ट करने लायक चीज़ है कि नहीं है वो भी इसमें बात करेंगे। तो जैसे हमने ओपन किया यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर आपको देखने के लिए मिल जाता है और एक स्विच देखने के लिए मिलता है और सर्किट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें जो चार्जर आप कह सकते हैं, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर देखने के लिए मिल जाता है और आपको छोटे छोटे आईसी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये एक मतलब 10 वाट से लेकर स्पीड से जो चार्ज करना चाहते हैं वो चार्ज कर सकते हैं, बहुत हाई स्पीड से ये चार्ज नहीं करता है। अंदर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सोल्डरिंग किया हुआ है और आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइनिंग जो अंदर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसा है आपको पता चलता होगा। आयरन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 वाट तक जो है ये देखने के लिए मिलता है, तो काफ़ी इजीली जो है आप आयरन का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और दूसरे जो लोकल होते हैं उसमें आप आयरन का इस्तेमाल करेंगे तो या तो फ्यूज उड़ जाता है या तो हीट होकर के वो अंदर से ही ख़राब हो जाता है, लेकिन इसमें जो है आप आयरन को इस्तेमाल करेंगे तो ख़राब होने का कोई चांसेस नहीं है। तो 2500 वाट जो लोड है वो बहुत ज़्यादा लोड होता है, आयरन 1000 ही यहाँ पे लोड लेता है, तो उन लोगों के लिए सही है जो बहुत सारा पोर्ट से आते हैं, बहुत सारा चार्जर एक बार भी इसमें लगा सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है ये। और इसका जो प्राइस है वो 800 से लेकर 900 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी सेल रहेगा तो हो सकता है कि उससे कम में आपको देखने के लिए मिले, तो इसको आप ले सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंबल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।